हेलो बच्चों नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे कि किसी भी संधारित्र का डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस प्रकार उनका संयोजन या ग्रुपिंग की जाती है। तो इनको ग्रुपिंग करने के दो तरीके हैं। पहला है कि उन्हें श्रेणी क्रम में लगाया जाए, दूसरा है कि उन्हें समांतर क्रम में लगाया जाए। श्रेणी क्रम का मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे आप देख रहे हैं कि दिस इज कैपेसिटर नंबर 1, 2 एंड 3। अब मान लेते हैं तीनों कैपेसिटर्स अलग अलग है, एक C1 है, एक C2 है, एक C3 है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है 1/1 दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए। ठीक है, तो चलिए पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि हमारे दो तीन कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 को हमने एक वोल्टेज सोर्स से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये जो सिंबल बता रहा है, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, ये बैटरी के सिंबल को बताता है। बड़ी लाइन पॉजिटिव को बताता है और छोटी लाइन निगेटिव को बताता है। तो जैसे ही हम बैटरी को संयोजित से तीनों कैपेसिटर्स को श्रेणी क्रम में लगाकर कनेक्ट करेंगे और बैटरी को ऑन कर देंगे, वैसे ही इधर से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बहना शुरू हो जाएगी। मान लेते हैं कि ये करंट आई है। इस करंट के जाते हुए जैसे ही ये कैपेसिटर के इस टर्मिनल पे पहुंचेगी, तो क्या होगा, कैपेसिटर का ये टर्मिनल चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और चार्ज होने की वजह से इसके इस सिरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये सिरा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, एंड सो ऑन। जैसे जैसे करंट आगे बढ़ेगी, इस कैपेसिटर के साथ और इस कैपेसिटर के साथ दोनों के साथ वही घटना घटेगी। इसका लेफ्ट साइड पॉजिटिव चार्ज और राइट साइड जो होगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस पूरी घटना में चूँकि करंट सभी पर सेम जा रही है, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा कि इन सब के ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहा है, दैट चूँकि करंट सेम जा रही है, इसलिए सभी पर जाने वाला चार्ज भी सेम ही होगा। तो फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क ये होगा कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनकी कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो मान लिया कि इसके ऊपर क्यों चार्ज स्टोर है, इस पर भी क्यों चार्ज स्टोर है, इस पर भी क्यों चार्ज स्टोर है। ये 1, 2 एंड 3 को हम नीचे लिख दे रहे हैं। दिस इज़ फर्स्ट प्लेस, दिस इज़ सेकेंड प्लेस, दिस इज़ थर्ड प्लेस। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी फर्स्ट कैपेसिटर V1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1 × Q। V इज इक्वल टू होता है Q/C, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C1। देन सेकंड प्लेट के लिए V2 इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C2 एंड V3 इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C3। ठीक, टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V=V1+V2+V3 के। ठीक है, तो मान लेते हैं कि टोटल कैपेसिटर इनके पूरे कॉम्बिनेशन का यानी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मान लिया कि सी है। तो जब रिजल्टेंट कैपेसिटेंस सी है, मान लिया CS कह दिया, S स्टैंड फॉर सीरीज, यानी जब सीरीज में लगाया जाता है तब इनके बीच का कैपेसिटेंस CS है। तो उस केस में V का मान क्या हो जाएगा, देन V का मान हो जाएगा Q/CS के। तो यहाँ रख देते हैं Q/CS इज इक्वल टू Q/C1+Q/C2+Q/C3। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1+1/C2+1/C3। तो ये तो हो गया तीन कैपेसिटेंस के लिए। इसी तरह से अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर अगर लगे हों, तो उस केस में 1/CS इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C1+1/C2+.. +1/CN तक। तो n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस होंगे तो उनके लिए ये हो जाएगा, और आपकी जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगी वो बनेगी C1, C2, C3 एंड सो ऑन। फिर यहाँ से एक बन जाएगा CN और आपका ये बैटरी यहाँ पे SH लगा रहेगा। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, मान लीजिए ये NY है। ठीक है, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3 एंड दिस इज CN और ये है V। ठीक है, इधर से करंट हमारी आई जाएगी। तो इस प्रकार से ये हो गया कि जब समान श्रेणी क्रम में है तो हमारा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। चलिए अब जानते हैं कि जब हम कैपेसिटेंस को पैरेलल क्रम में ऐड करेंगे तब क्या आएगा हमारा परिणामी कैपेसिटेंस का मान। ठीक है, तो फॉर ए सेकंड क्लास व्हेन कैपेसिटेंस आर अरेंज इन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तब हमारा सर्किट कैसा बनेगा। तो इस केस में जो हमारा सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। मान लिया कि इधर हमारा बैटरी है। ठीक, अब बैटरी के बीच में लेट अस सपोज दैट एक कैपेसिटर हमारा यहाँ लगा हुआ है, इसी के ऊपर में
एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है और ये कैपेसिटर यहाँ है। इस तरह से आपके इसके ऊपर कई सारे कैपेसिटर्स लग सकते हैं। तो हम तीन कैपेसिटर ही कंसीडर कर रहे हैं। तो मान लीजिए C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट I फ्लो करना शुरू कर देगी, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T के होता है। आवेश परिवर्तन की दर को, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड दी करंट। तो I इज इक्वल टू क्यू है, और चूंकि अगर हम टाइम को यूनिफॉर्म ले लें, एक ले लें, तो I इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो चाहे हम I के टर्म्स में बात करें, चाहे हम Q के टर्म्स में बात करें, तो यहाँ से जाने वाला चार्ज जो है, अगर करंट आई है तो चार्ज भी क्यों होगा। और यहाँ से जाने के बाद, चूंकि ये तीन आर्म्स हो गए, तो किरचॉफ के करंट लॉ से आप जानते हैं कि किसी भी सर्किट में यदि इधर से करंट आई आ रही है और इस नोड पर क्या होता है, किरचॉफ का प्रथम लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट में किसी भी संधि या नोड पर आने वाली सभी समस्त धाराओं का योग जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आने वाली धारा अगर आई है, जाने वाली धारा I1, I2 एंड I3 में अगर विभक्त हो जाती है, तो I इज इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 के। इसी कॉन्सेप्ट को हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे और इस पॉइंट पर देखेंगे। तो यदि इधर से हमारा करंट I आ रहा था, तो इस डायरेक्शन में जाने वाली करंट जो हो जाएगी, मान लिया कि यहाँ पे I1 जा रही है, यहाँ पे I2 जा रही है, यहाँ पर I3 जा रही है। तो अगर I1 है, जब I इज इक्वल टू Q/T है, तो उसी प्रकार I1 इज इक्वल टू Q1/T हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू Q2/T होगा एंड I3 इज इक्वल टू Q3/T के होगा। ठीक है, चूँकि T सब में सेम है, इसलिए हम चाहे I1 के टर्म से बात करें, चाहे Q1 के टर्म से बात करें, बात सेम होगी। और यहाँ पर चूँकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो आप जानते हैं किसी भी सर्किट में पैरेलल लूप की जो पोटेंशियल होती है वो सेम होती है। तो इस प्रकार से वी पोटेंशियल अगर अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर भी वी होगा, यहाँ पर भी वी होगा, यहाँ पर भी वी होगा। ठीक, चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, आई, अगर टोटल करंट हमारी आई है, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। इसके टर्म से बात करेंगे तो Q/T इज इक्वल टू Q1/T प्लस Q2/T प्लस Q3/T। तो यहाँ से आ जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हमें क्या करना है, कैपेसिटर के टर्म्स में निकालना है। तो वी नो डैट Q इज इक्वल टू C/V के होता है। ठीक है, तो यदि हमारा परिणामी कैपेसिटेंस इस केस में हमने मान लिया CP है, तो Q इज इक्वल टू हम लिख देते हैं CP/V, Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा C1/V, Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा C2/V एंड Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा C3/V के। इन सभी को हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CP/V इज इक्वल टू C1/V प्लस C2/V प्लस C3/V। दिस कम्स आउट CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, इस प्रकार से यदि तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आपस में कनेक्टेड थे, तो पैरेलल कैपेसिटेंस का मान आया C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी प्रकार यदि n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर सर्किट में लगे हों, तो CP का मान हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस .. एंड सो ऑन CN तक। सबको कैपेसिटेंस को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का मान निकल आएगा। ठीक है, इसको हम सर्किट बनाना चाहे तो सर्किट हम बना सकते हैं। सर्किट बनाने के लिए हम इस प्रकार बना सकते हैं, मान लीजिए एक सर्किट हमारा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इसके नीचे है, ठीक है, इसके ऊपर कहीं पर है, इसके ऊपर कहीं पर है, ठीक है, कौन सा है नहीं पता। एट लास्ट चलते चलते हम यहाँ पे पा जा रहे हैं CN, ये होगा C1 या C2 या C3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा, और सब में क्या होगा, I1 I2 IN करंट जाएगी, I1 I2 इसमें हो जाएगा, I3 इसमें हो जाएगा, IN। अब पूरी थ्योरी वैसे ही रहेगी, आप ऐसे निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज हमने पढ़ा कि जब इस कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो उस सर्किट में उन कैपेसिटर्स का रिजल्टेंट वैल्यू कितनी होती है। थैंक यू वेरी मच।